पुंडरी हलके के गांव पाई में बस स्टैंड के सामने राजौंद पुंडरी मार्ग पर किसानों ने विधायक रणधीर सिंह गोलन का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में हलके के विभिन्न गांवों से हजारों किसान पहुंचे और रणधीर सिंह गोलन को किसान विरोधी बताया। इसके साथ ही किसानों द्वारा चेतावनी दी गई कि यदि विधायक रणधीर गोलन ने किसानों से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी तो पुंडरी में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि गत दिनों हरियाणा विधानसभा में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ और सरकार के पक्ष में वोट देकर रणधीर सिंह गोलन किसानों के निशाने पर थे। उसके बाद मीडिया में बातचीत के दौरान उन्होंने बयान दिया था कि उन्हें पाई, भाना, करोड़ा आदि के गांव के किसानों ने विधायक नहीं बनाया, बल्कि 54 गांव विधानसभा के अंदर हैं, सभी ने मिलकर मुझे विधायक बनाया है और वे इन 60 किसानों के दबाव में आकर इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि इसने जो क्षेत्रवाद और जातिवाद का जहर फैलाने की कोशिश करी है ना, तो पता है ये सारे की सारी बीजेपी करा लड़ते हैं, इनका डिवाइड एंड रूल की यही पॉलिसी है और वही इन्होंने दिखा दिया। जिसकी गंदी मानसिकता और छोटी सोच है ना, जो इसकी आज ये इन्होंने कल वहाँ विधानसभा में उसका परिचय दे दिया छोटी सोच का। आगे क्या नीति है आगे इसका? पूरा हल्के में 54 के 54 गाँवों में इसके पुतले फूके जाएंगे, इसका बहिष्कार कराएंगे, इसको किसी भी तरीके से ना तो इसको मातम में बुलाया जाएगा ना इसको ब्याह शादियों में बुलाया जाएगा, इसका पूरा बहिष्कार कराएंगे और ये अपनी जान और माल का जब हमारे गांव में आवे जान और माल की अपनी खुद की इसकी वो होगी। और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा, हम एक और चेतावनी देते हैं इसको, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम कुछ दिनों के बाद इसके घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे, टेंट लगा के बैठेंगे, हर रोज़ वहाँ पे बैठ के आया करेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा हमारे यहाँ। क्या नाम है आपका? प्रवीण डोले जी मेरा नाम।